हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मल्टी के वेल्थ पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में अपने अपकमिंग आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है शीतल यूनिवर्सल लिमिटेड। ये एक SME आईपीओ है, जानेंगे हर बारीक डिटेल, इसकी GMP से लेके इसकी लास्ट डेट और किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए आईपीओ में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम जानने वाले हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में भी और इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो आइए जानते हैं एक शीतल यूनिवर्सल लिमिटेड SME आईपीओ के बारे में सभी डिटेल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक SME आईपीओ है। इस इशू का साइज रहेगा 23.80 करोड़ रुपी और ये टोटली 100% फ्रेश इशू है। ये आईपीओ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 4 दिसंबर से और आज यानी कि 6 दिसंबर को इसकी लास्ट डेट है। और अगर आप इस इशू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप इस इशू को परचेज करना चाहते हैं, तो मिनिमम आपको 1 लॉट परचेज करना पड़ेगा 22,000 शेयर का, जिसमें इशू प्राइस बैंड फिक्स हुआ है 70 रुपी ईच शेयर का। तो ये था एक ब्रीफ अबाउट दिस आईपीओ। जानेंगे कंप्लीट डिटेल्स इस आईपीओ से रिलेटेड। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से वीडियो है। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो आप किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट, फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर आप प्रॉपर को कंसल्ट करें, या फिर आप प्रॉपर रिसर्च कर ही स्टॉक मार्केट में निवेश करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट हाईली रिस्की कंसिडर की जाती है। हम सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। तो आइए जानते हैं आईपीओ के बारे में बाकी सब डिटेल्स। जैसा कि हम बात कर चुके हैं, 4 दिसंबर से आईपीओ ओपन हो चुका है। क्लोजिंग डेट इसकी आज यानी कि 6 दिसंबर को है। इस आईपीओ का इशू प्राइस फिक्स हुआ है 70 रुपी पर शेयर। आईपीओ की लिस्टिंग होगी NSE SME पर, क्योंकि ये SME आईपीओ है। रिटेल कोटा फिक्स है 50% पर। आईपीओ का साइज रहने वाला है 23.8 करोड़ रुपी। फेस वैल्यू है 10 रुपी पर इक्विटी शेयर। प्रमोटर्स की होल्डिंग आईपीओ से पहले थी 95%, पोस्ट आईपीओ रह जाएगी 66.81%, यानी कि फिर भी मेजर होल्डिंग जो रहेगी वो प्रमोटर्स के पास ही रहेगी। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जिसके बारे में आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, तो वो होगी इसके अलॉटमेंट डेट जो कि 7th of December है। रिफंड्स इनिशिएट हो जाएंगे जिनको भी ये आईपीओ लॉट नहीं होगा बाय 8th of December। क्रेडिट हो जाएंगे डीमैट में बाय 8th of December इटसेल्फ। और SME आईपीओ की लिस्टिंग डेट रहेगी 11th December। इस इशू का प्राइस बैंड फिक्स हुआ है 70 रुपी पर। मार्केट लॉट रहेगा 2000 शेयर्स का। एक लॉट की अमाउंट आपको, अगर आप रिटेल निवेशक हैं और आप इस इशू में इन्वेस्ट करते हैं, तो मिनिमम आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी वो रहेगी 1,40,000। अगर आप स्मॉल HNI इन्वेस्टर हैं तो आपको 4,000 शेयर्स में इन्वेस्ट करना होगा मिनिमम 2 लॉट्स में। बिग HNI इन्वेस्टर्स 16,000 शेयर्स में ही इन्वेस्ट कर पाएंगे, यानी कि 8 लॉट्स में मिनिमम। अगर इस कंपनी के बारे में बात की जाए कि कंपनी की बिजनेस एक्टिविटी क्या है और ये कब स्टार्ट हुई थी, क्या इसका मेजर बिजनेस ऑफ ऑपरेशंस है, तो हम जान लें ये कंपनी स्टार्ट हुई थी अगस्त 2015 में। ये काफी पुरानी कंपनी है। ये स्पेशली सोर्स, प्रोसेस और सप्लाई करते हैं एग्रीकल्चरल कमोडिटीज जैसे कि पीनट्स, सेसमी सीड, स्पाइसेस, ग्रेन्स टू मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पीनट बटर, कुकीज, केक, चॉकलेट्स, फूड प्रोडक्ट्स। तो जो भी फूड प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ये बेसिकली रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। रॉ मटेरियल इनका रहता है पीनट्स, सेसमी सीड्स, स्पाइसेस, ग्रेन्स। कुछ अचीवमेंट्स कंपनी ने हाईलाइट की हैं, जैसे कि एक शॉर्ट पीरियड में ही कंपनी को रिकग्नाइज किया गया था 1-स्टार एक्सपोर्ट हाउस कैटेगरी में, कैटेगरी एक्सपोर्टर्स, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ड्यू टू इट्स एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव रहने वाला है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए और पब्लिक इशू एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। अगर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को देखा जाए तो कंपनी के एसेट्स काफ़ी अच्छे हैं, रेगुलर एक कंसिस्टेंसी है, जो एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, रेवेन्यू मेकिंग फर्म है, हर साल बेहतरीन रेवेन्यूज ये कंपनी जनरेट कर रही है, प्रॉफिट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, नेटवर्थ भी लगातार बढ़ रहा है, प्रॉपर कंसिस्टेंसी है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी अवेलेबल हैं और कुछ बोरोइंग्स भी हैं कंपनी पर, बट वो काफ़ी मिनिमम हैं। इस
इशू के रजिस्ट्रार रहने वाले हैं बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। और अगर इस इशू के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 12 रुपी पर चल रहा है, यानी कि ये अपने इशू प्राइस 70 रुपी से 12 रुपी अबव इशू हो सकता है। तो 17.14% का आप लिस्टिंग गेन इस इशू से उठा सकते हैं। साथ ही कंपनी एक रिनाउंड कंपनी है, तो इस इशू के साथ आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टेड रह सकते हैं, बट प्रॉपर रिसर्च और अलर्टनेस के साथ। इसके अलावा इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें तो सब्सक्रिप्शन तो टोटल ये 20.54 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है ऑलरेडी, तो सब्सक्रिप्शन स्टेटस काफ़ी अच्छा है इस इशू का। तो पर्सनली मैं इस इशू में इन्वेस्ट करने जा रही हूँ। बाकी आपकी राय इस इशू के बारे में क्या है, आपकी राय शीतल यूनिवर्सल लिमिटेड के बारे में क्या है, और क्या आप इसमें निवेश कर रहे हैं या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज प्रेस दी बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मल्टीकैप वेल्थ।